क्वेश्चन 5 पेज नंबर 37। क्वेश्चन देखो अभी छठा ट्रांजेक्शन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बाकी सब तो हमारे लिए क्या है कॉमन है, हम लोग ने किया हुआ है। पहला क्या है, मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस विद 80,000। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो क्या आता है बिजनेस में, कैपिटल है ना, और फिर उसके साथ क्या आएगा, पैसा। पैसा क्या होता है, एसेट्स बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस में क्या होगा, प्लस है ना। ये तो इसके पहले भी सीखा आप लोगों ने। अगला क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधारी भी खरीदा फ्रॉम अश्विन 12,000। गुड्स खरीदा तो गुड्स आ रहा है ना, तो एसेट्स बढ़ रहा है, ये हो गया। फिर अश्विन को पैसे ने दे दिए या देने बाकी है, देने बाकी है ना क्रेडिट पे, तो अश्विन हमारा क्या होगा, क्रेडिटर यानी लायबिलिटी है कि नहीं। अब ये कितना हो जाएगा, 92,000 इज इक्वल टू, इसका टोटल कितना हुआ, 12,000 प्लस 80,000 है ना, 80 प्लस 12 92। अगला क्या है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम एस एन फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट, ये भी उधारी में खरीदा है, तो एस एन को हमने फर्नीचर दे दिया या देने बाकी है, देने बाकी है, तो वो क्या हो गया अपना क्रेडिट है ना, कितने से किया। और हमने क्या खरीदा, फर्नीचर, तो फर्नीचर आ रहा है, एसेट्स बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 98,000, ये हो गया 18,000 और ये हो गया 80, तो 80,000 प्लस 18,000 कितना होता है, 98,000। अगला क्या, सोल गुड्स टू आनंद वर्थ रुपीज 10,000, आनंद को हमने माल बेचा तो माल आ रहे कि जा रहा है, जा रहा तो एसेट्स जा रहा, गुड्स क्या होता है, एसेट्स होता है ना, तो जा रहा, तो 10,000 आप माइनस करोगे, फिर किसको बेचा आपने, आनंद को। यहाँ पे कहीं पे भी क्रेडिट लिखा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश। लेकिन यहाँ पे ये भी तो नहीं लिखा कि कैश उसने आनंद ने दिया है ना, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट है, यानी आनंद से पैसे लेने हैं, तो आनंद से पैसे लेने मतलब क्या हो गया, आनंद डेटर हो गया, और डेटर वो बंदा होता है जिससे पैसे लेने, तो क्या होता है डेटर, एसेट्स, तो आप एसेट्स क्या करोगे, ऐड करोगे, समझे कुछ। आनंद से पैसे लेने बाकी है ना, आनंद अपना क्या होगा, डेटर, डेटर कौन होता है जिससे पैसे लेने मतलब एसेट्स, क्या है, एसेट्स। 98 माइनस 10 प्लस 10 कितना आएगा, वापस 98 ही आएगा, इज इक्वल टू 18,000 प्लस हो गया ये। चलो अगला क्या है, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 2,500, कैश विड्रॉ किया यानी कैश निकाला, क्या के लिए निकाला, पर्सनल यूज के लिए, खुद के लिए, बिजनेस में कुछ भी पर्सनल नहीं होता है, तो पर्सनल लेके गया मतलब क्या, ये ड्राइंग, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे, किसमें से, कैपिटल और ड्राइंग दोनों क्या है, आपस में प्लस माइनस होते हैं, कैपिटल कैपिटल में ऐड होगा और ड्राइंग कैपिटल में से क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, जीरो इज इक्वल। अच्छा, मालिक यानी ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसे लेके गया, तो पैसे आ रहा है या जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो पैसा क्या है, एसेट्स है ना, एसेट्स में से क्या होगा, माइनस होगा, तो 98 में से टूट गया 96, 95,500 18,000 प्लस ये हो जाएगा 77,500, ठीक है, इसको ऐड करोगे तो ये आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसके लिए समझ लिया। देखो, सोल गुड्स कॉस्टिंग 12,000, 12,000 का गुड्स हमने क्या किया, सेल किया, तो गुड्स आ रहे कि जा रहे, जा रहे, कितने का गुड्स जा रहे, 12, जा रहा तो क्या करेंगे, माइनस, ये समझा आप लोग। फिर उसके बाद कितना प्रॉफिट हुआ, एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000, तो 2,000 के प्रॉफिट पे हमने बेचा, तो जिसको बेचा हमें प्रॉफिट कितना, तो प्रॉफिट क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं ना, है ना। अब बेचा हमने, तो देखो 12,000 का माल कितने बेचा रहेगा, 12,000 का माल था
2000 प्रॉफिट में हमने कितने बेचा, तो 40,000 अपने को आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो 40,000, क्योंकि यहाँ पे किसी पार्टी का नाम नहीं दिया, यानी ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है, आप समझे? ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे प्लस? 14,000। समझ में आया कुछ? ठीक है, अब देखो 12 माइनस करना है, प्लस 14 करना है, यानी इनडायरेक्टली कितना प्लस करना है? 2000। ये कितना हो जाएगा? 97,000। समझे? या फिर क्या करोगे आप, 95 में से 12 क्या करोगे माइनस, फिर 14 क्या करोगे प्लस कर दोगे, तो भी यही आएगा। ठीक है, ये कितना है? 13। और ये कितना हो जाएगा? 79.5। कभी कभी जान बेटर नहीं होता है, ये क्या होता है? समझ में आया कुछ? कर लो जी।